इस घर के वकार या नवाब साहब की इज्जत पर जर्रा बराबर भी आंच आई तो भूल जाऊंगा कि हमारा खून है क्या। और अकील की और मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी बेटी हुमा का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं तो कहती हूँ उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी चांद सी बेटी का नाम लेने की। अरे सादिया के लिए तो मैं इसलिए मान गई थी कि सादगी की वजह से उसके रिश्तों का मसला हो रहा है, मगर मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ये हुमा की बात कर देंगे आके। मुझे आज तुम्हें अख्तर से मिलवाना है। अख्तर? कौन अख्तर? एक हैंडसम सा लड़का है और तुम उसे पसंद आ गई हो। तुम्हें पता है ना मैं ऐसा वक्त दोबारा नहीं आएगा। इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। मैं पहले ही अबू से कह चुकी हूँ कि जिसका जब जहाँ चाहे वो रिश्ता करते। मेरी वजह से किसी के अरमानों का खून करने की जरूरत नहीं है उन्हें। हसन तुम्हें पता है मेरा दिल चाहता है मैं समंदरों के उस पार तुम्हारे साथ जाऊं जहां सिर्फ हम दोनों हों कोई तीसरा ना हो। क्या तुम मेरे साथ होगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं दूंगा। तो फिर चलो अभी अभी तो यहां हम खाना खाने आए ना। ठीक है खाने के बाद। मिस्टर हसन जब तक आप बैक मिरर में देखते रहेंगे ना जिंदगी की गाड़ी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। तुम्हारा लाडला आज शाम को भी घर पे रहेगा क्या? ओहो नानी क्या मतलब? मेरा घर में रहना भी आपको बुरा लगता है? पहले वो भाई और अब आप। कहाँ जाऊँ क्या करूँ मैं? अरे मैं तेरी नहीं उस साहब बहादुर की बात कर रही हूँ। हाँ है अम्मा वो मेरा लाडला कैसे और क्यों होने लगा? खाम खामे बात सुन तू इस मनहूस हसन की शादी क्यों नहीं कर देती? कुछ तो इस घर में चेंज आए। क्यों अम्मा तुम्हें जो सुकून है वो काट रहा है क्या? अगर हसन की हमने शादी कर दी ना तो इस घर में जो सुकून से हम रह रहे ना जो आएगी वो हमें यहाँ से निकाल बाहर करेगी। अभी तक इसीलिए हम यहाँ टिके हुए हैं कि उसकी शादी नहीं हुई। और वैसे भी वो अगर शादी नहीं करना चाहता तो तुम्हें क्या तकलीफ है? है इतना आग बगुला होने की जरूरत नहीं है। मैंने तो वैसे ही कह दिया था। उस भाई साहब की ना सही ये गरीब मिस्कीन हाजिर है इसके लिए भी कभी सोच लिया करें। तू ढंग से कमाने वाला तो हो जा। सोच लूंगी इस बारे में भी। जहाँ से हम ढंग का कंबल ओढ़ रहे हैं वहाँ से उसे भी दिला देंगे। अब इसके लिए क्या मेहनत मुशक्कत शुरू कर दूं? अरे ठीक तो कह रहा है चल ना इसके लिए तलाश करते हैं कोई अच्छी प्यारी सी लड़की। आहा
टोली सजा के रखना, टोली सजा के रखना। अरे गधे, मेहंदी लगा के रखना गाना भी नहीं आता कमबख्त को। शबनम कहाँ है? नहीं, वो चली गई बांग्लादेश, आई थी पिछले दिनों अपने उस घोष के साथ। अब हाँ बेटा, आज जल्दी चली गई वो। ठीक, बात सुन। ए, हमने सोचा है कि हम राशिद की शादी कर दें। कोशिश करके देख लें, मुमकिन है किसी बाप को अपनी बेटी बोझ लगती है। शायद बात बन जाए। अब हसन बेटा, वैसे मैं सोच रही थी कि अगर तुम भी मेरे बारे में सोचना शुरू करो, मुझे जब शादी करनी होगी कर लूंगा। दफा, बड़ा ही कोई अखड़ आदमी है भाई ये। और सच्चा, शादी करा दो उसकी। ता बड़ा ढग्गा हो गया, शादी नहीं कर रहा, गुलाबी कमीज पहन के आ गया बस। मेहंदी लगा के रखना। बेटे को ब्याहते हुए हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बहू चांद सी हो, और हमारी हुमा माशाल्लाह खानदान में सबसे खूबसूरत है। मेरे अकील ने भी ना हुमा को पसंद किया है, वो भी चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। माशाल्लाह तीन तीन बेटियां हैं। अब यूं जरा जरा सी बात पे अगर रिश्ते लौटाने लगेंगे तो बेटियों की शादी कैसे होगी? जब टीवी देखना नहीं है तो फिर लगाने का फायदा? बिजली खर्च होती है और आपको पता है कि बिजली कितनी महंगी हो गई है, कितना बिल आता है, कहां से देंगे? क्या हुआ है, किन सोचों में गुम है आप? कुछ नहीं शाइस्ता, बस बच्चों की तरफ से परेशान था। हाँ, बुलाया था मैंने सफूरा को, कहा है उससे कि फिर से कोई रिश्ता अच्छा सा तलाश करे। मगर तुम्हारी बहन ने माफ करना बहुत बुरा किया। चलो लोग तो सादिया की ज्यादा उम्र की वजह से, उसकी तालीम की वजह से इनकार कर जाते हैं, मगर सगी फुप्पो ऐसा करे, खून तो सफेद हुआ ना फिर। सादिया ज़हीन, समझदार और तालीम याफ्ता लड़की है, वो इंशाल्लाह अपने हुनर से अपना मुस्तकबिल संवार लेगी। लेकिन हुमा और सीमी तालीम की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, तुम उन्हें समझाती भी नहीं। आप देखना, हुमा तो खैर से साल डेढ़ साल में अपने घर की हो जाएगी। अगर आपने ये रट ना लगाई कि पहले बड़ी की शादी करूंगा। बच्चे क्या हैं? सो रहे हैं। और ये क्या, चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई, कहें तो मैं एक और प्याली बना दूं? हाँ। तो बहरहाल आपने याद रखना है, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आप याद करेंगे। या आपने चाय का तकल्लुफ क्यों कर लिया सर? भाई, आप नवाब जाबर हुसैन साहब के साहबजादे हैं हसन मियां, और सबसे बढ़कर ये कि आप अपने वालिद की तरह बहुत ही कदावर शख्सियत के मालिक हैं, और आपके वालिद हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े डोनर थे। नवाजिश सर, वो फाइनल ईयर की स्टूडेंट आपसे मिलना चाहते हैं। सर मेरी वजह से किसी को इंतजार न कराइएगा, बुला लीजिए। अच्छा, उनको अंदर भेजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज फिर शायद आप कोई ऐसा ही मसला लेके आई होंगी जिसका आपसे कतई कोई ताल्लुक ना हो। सर आप ठीक समझे, मगर बात यह है कि जब तक हम औरों के मसलों को अपना मसला नहीं समझेंगे, माशरा तो बिगड़ता ही चला जाएगा। ठीक कह रही हैं। क्या कहना है आपको?
सर, मैं और मेरी क्लास के और स्टूडेंट्स हम सब मिलकर सैलाब ज़दा इलाकों में काम करना चाह रहे हैं, मगर हमारे पास फंड्स नहीं हैं। हम हर तरह की मुश्किल बर्दाश्त करने को तैयार हैं, रूखी सूखी रोटी खाकर भी गुजारा कर लेंगे, मगर वहाँ जाने और काम करने के लिए भी तो कुछ रकम चाहिए ना। मेरा ख्याल है कि नेक काम में इंतज़ार नहीं होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके नेक काम को करना चाहिए। शुक्रिया। सादिया बच्ची को बुला दे, मुझे ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है। चुप करके पढ़ो, आ जाएंगी। अभी फोन क्यों किया, रात को बात करेंगे। अरे नहीं ना, समझा करो। अच्छा बाय। हाँ भाई, किसे सवाल समझ नहीं आ रहा? बाजी ये देखें। सही तो किया है तुमने, ये यहाँ से ले। जवाब भी ठीक आ रहा है। अच्छा अब देखो, बाजी ये आपकी फीस। चल शुक्रिया। ठीक है। हम्म, अम्मी ये फीस ले लीजिए। तब लड़कियों ने दे दी क्या? बस मारिया रहती है, कह रही थी कल तक वो भी दे देगी। ठीक है। अम्मी वो मैंने आपको कुछ पैसों का कहा था। एक तो मैं तुम्हारी शाखर्चियों से बहुत तंग आ गई हूँ, ये लो पकड़ो। गुजारा कर लूंगा इससे। अम्मी आपने सारे पैसे बिलाल को दे दिए, ये भी नहीं पूछा कि इसे क्यों चाहिए। किताबों के लिए तो मांग रहा हूँ पैसे, उड़ा थोड़ी रहा हूँ कहीं। ठीक ही तो कह रहा बेचारा, पढ़ाई के लिए चाहिए ना। तुम्हारे अब्बा तुम्हारी पढ़ाई पर इतना खर्च करते हैं, कभी किसी ने पूछा? भाई है तुम्हारा, कदर किया करो उसकी, पढ़ाई के लिए ले रहा है ना पैसे। अच्छी तरह जानती हूँ मैं इसकी पढ़ाई के बारे। हाँ बस एक मैं ही अनजान हूँ, तो पता नहीं किस्मत ही फूट गई थी जब यहाँ। तुम बताओ। नहीं नहीं मैं जाग रही थी। क्या कल मिलूं? नहीं भाई नहीं, मैं कॉलेज से बाहर कैसे आऊंगी? अब बनाओ भी नहीं, इतनी भी खूबसूरत नहीं हूं। अच्छा ना छोड़ो, कुछ अपने बारे में बताओ। अच्छा किससे बातें कर रही हो और सो क्यों नहीं रही हो? सो रही हूँ। सो जाओ, बहुत देर हो गई है।
अच्छा चलो कल बात करें, ओके बाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, नासरा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक हूँ। भाई जी तो घर पे है ना? हाँ। यकीनन तुमने उन्हीं से बात करने के लिए फोन किया है। हाँ तो क्या नहीं कर सकती, भाई है वो मेरे। हाँ मगर जो बात तुमने करना है वो बात बुरा मनाने की है। हमारी तरफ से इनकार है। और अब ये जिक्र ना छेड़ा जाए तो बेहतर है। जब खानदान से बाहर रिश्ते करेंगी ना तो बहुत पछताएंगी आप, याद करेंगी इस वक्त को। तुम्हारे पास तो तब भी नहीं आऊंगी। इसमें नाराजगी की कौन सी बात है भाई, हमें हुमा पसंद है, हमने उसके लिए रिश्ते की बात कर दी। और हमें हुमा के लिए अकील पसंद नहीं है। आम सी शक्ल का लड़का है, ढीला ढाला सा, और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि मीन मेख निकालने वाली सास। ना भाई, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अच्छी सुनाई मैंने, कलेजे में ठंड पड़ गई, देर तक जलती रहेगी। अरे सुनो तो, नाराज तो मत हो। तुम्हें परवाह है मेरी नाराजगी की? देखो तुम्हें पता तो है मुझे डर लगता है। और तुम्हें पता है उस दिन जब मैं पीरियड अटेंड करने के बाद बाहर निकल रही थी क्लास से, मेरी बहन सामने आ गई थी, उसे लाइब्रेरी में कुछ काम था, मुझे साथ लेकर चली गई ना, तो मैं क्या करूं? 100 बहाने बनाए जा सकते थे बहन से, और फिर थोड़ी सी देर की बात थी। खैर छोड़ो, तुम खुद भी इंटरेस्टेड नहीं हो। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, तुम्हें पता है हमारी तो फोन पे रोज बात होती है, अब तो मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। वाकई? तो फिर अब तैयार रहना, 2 दिन बाद चलेंगे। वैसे अभी वो शहर से बाहर है, और अगर अब ऐन मौके पर तुमने अपना इरादा बदला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ठीक है, लेकिन सुनो मुझसे जानती तो हो ना, अच्छा लड़का तो है ना? तुम भी तो बात करती हो उससे, तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बता रहा था कि उसके डैडी बहुत पैसे वाले हैं, और मुझे लगता है कि आजकल पहली जरूरत पैसा ही है, पैसे के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है। ठीक कहती हो तुम, और मैं तो पैसा कमाने के हर तरीके को जायज समझती हूँ। चलो कैंटीन चले। चलो चलते हैं। ओके बुक तो उठा लो। अबू चाय। अबू वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे किताबों के लिए, कम पड़ गए। बस भी कर दो आप ही। कितने ही पैसे तुम अपनी पढ़ाई के नाम पर बर्बाद कर चुकी हो, आला तालीम आला तालीम। भाई मैं तो कहती हूँ कि हाथी पालते क्यों जब औकात नहीं है। इतनी मेहनत तो करती हूँ, अच्छे खासे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, इस दफा घर के खर्चे के लिए अम्मी ने पैसे मांग लिए थे। हाँ तो अम्मी कौन सा खुद पर पैसे खर्च करती हैं, इस घर पे ही तो खर्च करती हैं सारे पैसे। तुम्हें इसके लिए कितने पैसे चाहिए? अब्बू बस थोड़े से पैसे चाहिए, यूनिवर्सिटी में बुक फेयर है। अब्बू मेरे भी कॉलेज में फैंसी ड्रेस शो है, तो मुझे भी ड्रेस सिलवाना है, उसके लिए मुझे भी कुछ पैसे चाहिए होंगे। फैंसी ड्रेस पर हजारों रुपए खर्च करने का फायदा? तालीम पे तवज्जो दो, घर में एक ही पढ़ाकू काफी है। लेकिन तालीम सबके लिए जरूरी। आप ही बुक फेयर हो रहा है ना, मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है। क्यों, तुम क्या करोगी वहां जाकर? अरे मजा रहेगा ना, आप ही डन है ना, मैं चलूंगी आपके साथ। ठीक ठीक है।
क्या है सीमी, उठाओ ये सब कुछ फैला कर रखा हुआ है। बताओ तो सही कौन सा पहनूं, आखिर यूनिवर्सिटी जाना है। वो जो रोज यूनिवर्सिटी जाती है उसका हुलिया देखा है तुमने? फॉर्म का हमें एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, हम तो नजरअंदाज करने वाली पर्सनैलिटी है ही नहीं। जो एक बार देखता है ना वो दूसरी बार भी जरूर देखता है, इसीलिए तैयारी मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। तुम जिसके साथ जा रही हो ना उसका वहाँ अगर कोई जानता होगा तब वो तुम्हारी तरफ आएगा, इसलिए बेकार में वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ उठाओ और मुझे सोने दो। अच्छा ठीक है, अब तुम भी आना मशवरा लेने, सही तरह से मशवरा दूंगी तुम्हें मैं। अरे ये इतना सब क्या फैलाया हुआ है? वो मैं आपके साथ चल रही हूँ ना तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। हालांकि मैंने तो इसे कहा भी कि तुम तो आप ही के साथ यूनिवर्सिटी जा रही हो, उन्हें कोई जानता होगा तब तुम्हें जानेगा ना। सीमी हम किसी शादी की तकरीब में नहीं जा रहे, प्लीज ओवर ड्रेस्ड मत हो। अब्बू ने तुम्हें पैसे दे दिए होंगे यकीनन। इस पढ़ाई के ढोंग ने अब्बू को इस कदर मुतासिर कर रखा है कि तुम जो कहती हो अब्बू आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं पैसे कहाँ खर्च करती हूँ। वैसे मेरी मानो तो अकील साहब का प्रपोजल कबूल कर लो। अरे सारी तनख्वाह पे तुम्हारा कब्जा होगा, जी भर के अपने अरमान पूरे करना। अच्छा हाँ मैं सोच रही हूँ कि यह तो तुम ठीक रही हो है ना, तो ऐसा करती हूँ कि अरे एक तो मशवरा दो ऊपर से, लाइट बंद करो। यहाँ पे हमारी क्लास हो रही है। हेलो कैसी हैं आप? शुक्र है आप दिखाई तो दी। अच्छा वो काफी देर से सर सुल्तान आपका पूछ रहे हैं। ओहो हाँ आज मुझे जरा देर भी हो गई। कहाँ है सर सुल्तान? वो लाइब्रेरी। अच्छा मैं पहले फिर उनसे मिलाती हूँ ठीक है। आप इन सब लोगों को पहचानती हैं? हाँ मेरे साथ पढ़ते हैं, सब साथ पढ़ते हैं भाई। तो बड़ी इज्जत है यहाँ पर, तालीम सब कुछ दे देती है। बड़ी स्मार्ट दिखाई दे रही हूँ, ये कौन है तारीफ नहीं कराऊँ? मेरी बहन है सीमी अली, सेकंड ईयर में पढ़ती है। यकीनन तुम्हारी तरह ही ब्रिलियंट होगी है ना? हाँ 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 हाँ। अच्छा मैं जरा सर सुल्तान के पास से होके आती हूँ ठीक है। आओ आज अभी कुछ खाने पड़ी भूख लगी। अरे बाद में खा लेंगे ना, जल्दी चलो आओ। अच्छा आराम से तो चलें, आप तो हवा के घोड़े पे सवार हैं, मेरी नई जूती ये खराब हो जाएगी। अच्छा चलो आज सर चलते, चलो तो ना आओ देर हो रही है, इधर आ जाओ आओ। क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा, सोच रहा हूँ। तो आप सोचते भी हैं? तुम्ही को तो सोचता। तो फिर सच बताओ क्या सोच रहे हो? ऐसे ही सोच रहा था कि अगर कल को हम ना मिल पाए। हसन प्लीज, किस तरह की बात है? तुमने सीरियसली दोबारा मुझसे इस तरह की बात की ना तो मैं उठ के चली जाऊंगी। प्रॉमिस? या अच्छा बस के तो दिखा दो। नहीं असरी प्लीज, नहीं थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा, नहीं नहीं नहीं। दैट्स लाइक माय गर्ल। जी नानी जान अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जीते रहो बेटा जीते रहो। ओहो तुम तो मेरी जान हो मेरी जान, मैं बहुत खफा हूँ तुमसे। अरे भाई वो किस लिए? तुम्हें मालूम है 2 हफ्ते हो गए हैं और मैंने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें अपनी सौतेली नानी ज्यादा प्यारी लगने लगी हो? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप जानती हैं कि
مصروفیت اتنی ہے کہ وقت نکالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. ارے اپنوں کے لیے وقت نکالا کرو، محبت کرتے ہیں ہم تم سے بیٹے. جی اچھا، میں ایک دو دن میں چکر لگاتا ہوں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کروں. اوکے، اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آ گئی تم؟ وہ سعدیہ اور سیمی ابھی تک نہیں آئی ہیں اور مجھے بہت فکر لگ رہی ہے، شہر کے حالات تو دیکھو. انہیں چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ پکا کیا ہے آج؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا گرم کر. بھائی وہی پکنا ہے جو روز مرہ پکتا ہی ہے. امی اب بس بہت ہو گیا، آپ ہی کی پڑھائی تقریباً مکمل ہونے والی ہے، ان سے بولیں کوئی جاب ڈھونڈنا شروع کر دیں. ابا نے جتنا پیسہ ان کی پڑھائی پہ خرچ کیا ہے نا، کسی حد تک تو چکا ہے نا. اچھا چلو جاؤ، جاؤ جا کے یونیفارم اپنا بدلو اور آ کے کھانا کھا لو، میں نکالنے لگی ہوں. اور ہاں سنو، حامد کے ہاں فون کر دو بلال کے لیے اور اس سے کہو کہ جلدی واپس آ جائے، شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں. اچھا ہاں جاؤ شہاب، جلدی سے بدلو. کیا کر رہے ہیں؟ اور کسی دن بھی شہر کے حالات خراب ہوتے تھے نا. آئیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. نہیں نہیں، ہم چلے جائیں گے. دیکھیں شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہائے اللہ، آپ ہی آ جائیں نا، ٹی وی باہر آؤ نا. ارے آپ ہی شہر کے حالات خراب ہیں، ویسے بھی بندے کی تھوڑی بہت پہچاننا ضروری ہوتی ہے. آ جائیں نا. ارے مجھے 100% یقین ہے یہ اچھے انسان ہیں. آئیے اب آ جائیں نا، انہیں دیر ہو رہی ہوگی. آپ کو دیر ہو رہی ہے نا؟ جی چلے. گاڑی کتنی اچھی ہے، کتنی بڑی ہے نا. آپ کرتے کیا ہیں؟ میرا مطلب ہے جاب کیا کرتے ہیں آپ؟ ویسے آپ امیروں کے بھائی بڑے ٹھاٹ ہوتے ہیں. سنیں آپ ہمیں یہیں اتار دیں یہاں پہ. نہیں نہیں، یہاں سے تو گھر بہت دور ہے، آپ چھوڑیں. اچھا نہیں بولوں گی نا، آپ چلیں، آگے چلیں آپ. ویسے آپ کی شادی ہو گئی ہے کیا؟ تو بتاؤ ہمارے پاس گاڑی ہے کیا؟ دو گاڑی ہے؟ نہیں، مجھے کا ڈرائیونگ آتی ہے. ہاں لیکن وہ تو بات کی بات ہے نا. ہاں ہاں میں آؤں گی، لیکن کالج سے تھوڑا ہی دور. کیا تمہارے ساتھ چلوں؟ نہیں بابا نہیں، یہ لمبی باتیں نا فون پہ اچھی لگتی ہیں. چلو اب کل بات کریں گے. اوکے اوکے بائے. ہاں
ना वो आ रही है और देखो पहली मुलाकात में ना ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करना वैसे ही रोक डालना बस यही काफी है चले तुम यकीन तो है ना वो अच्छा लड़का तो है ना फोन पर इतनी ज्यादा बातें करके भी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ अब चलना है या इरादा बदल गया नहीं नहीं चलते हैं ओके मैं बताती हूँ जी सर हसन मिस लैला आपसे मिलना चाह रही थी आज मिस लैला जी सर गफूर इंडस्ट्री से मिस लैला गफूर अच्छा लैला गफूर ठीक है तुम डायरी में देख के उन्हें टाइम एसएमएस कर दो और मुझे भी बता देना ओके सर से तुझसे कह रही हूँ पान के पत्ते मंगवा दे खाली चालिया खा के मुंह पक गया लेकिन तुझसे इतना सा काम भी नहीं होता अम्मा का हाय हाय अम्मा जहाँ इतना कुछ छोड़ा था वहाँ ये भी छोड़ देती खामखा की लत पाली हुई तुमने नसीहत करने के लिए नहीं कहा है तुझे अच्छा मशवरे दे रही है बैठी हुई कह रही थी जरा वो निम्मो बेगम से फोन पे बात करा दे इतना जी चाह रहा था ना उससे बात करने को अम्मा क्यों गजब करती हो हसन के आने का टाइम भी हो रहा है हाय हाय तेरे लिए क्या कुछ न छोड़ा है किस किस को ठोकर न मारी तो अच्छा ही हुआ ना अम्मा वक्त पर अकल से काम ले लिया और नवाब साहब का बड़ा हुआ हाथ थाम लिया उस दलदल से निकलकर यहाँ चले आए आज बच्चे हैं घर है और सबसे बढ़कर जमीर पर कोई बोझ नहीं है अरे शौकत तेरे तो नसीब अच्छे थे वरना जहाँ से हमारा ताल्लुक है वहां से बगावत करके शराफत की जिंदगी बसाने के लिए जो भी लड़की आई उसे शराफत की जिंदगी रास ना आई उसे पलट के वापस आना पड़ा हाँ माँ बस वो ढंग हमें पसंद नहीं थे इसलिए हमने वो जिंदगी छोड़ दी हाँ लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया नवाब साहब ने अपनी सारी जायदाद अललों तललों में बांट दी और अपनी पहली बीवी की जायदाद हमारे उस सौतेले के हवाले कर दी शौकत जहां तो बस इज्जत संभाल के बैठी रही अच्छा चल छोड़ तुझसे एक नंबर मिलाने को कहा था तू कहां से कहां पहुंच गई आए अम्मा इतने बरसों से जो मैंने अपनी इज्जत संभाल के रखी है ना लगता है तुमसे हजम नहीं होती राशिद और सिद्रा के सामने तुम ये राज किसी ना किसी दिन फाश करके ही रहोगी अम्मी राशिद भाई कहां है वो तो अभी नहीं आया क्यों तुझे भाई की याद क्यों सता रही है अम्मी वो मेरे दोस्त की बहन की शादी है मुझे 9 बजे पहुंचना था बताया तो था आपको अच्छा हसन भाई है उन्हीं की गाड़ी में उनके ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी नहीं वो भी नहीं है अजीब मुसीबत है अब मैं कैसे जाऊं इसको रिक्शा करा दे शौकत मैं तो कहती हूँ अब तू भी अपने बच्चों के रिश्ते देख इधर उधर नजर दौड़ा सबके लिए हाँ अम्मा और मेरा तो ख्याल है कि राशिद के पाँव में अब मुझे शादी की जंजीर बांधनी ही पड़ेगी अम्मी वो मेरी एक फ्रेंड है ना बड़ी प्यारी है और उसके अब्बा ना बहुत बड़े बिजनेसमैन है आप राशिद भाई की बात ना वहीं पर कर दें दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी चुप है कोई जरूरत नहीं तुझे बड़ों के मामले में दखल देने की मुझे नहीं चाहिए कोई बड़े बाप की बेटी ये बड़े बाप की बेटियां तो 2 दिन में हमें हरी झंडी दिखा दें और मेरे बेवकूफ बेटे को ले उड़ेगी अरे तो क्या किसी झोपड़ी से उठा के लाएगी बहू अजीब ही मंतक है तुम्हारी भाई हाँ अम्मा मुझे तो मिडिल क्लास घर की लड़की चाहिए जो मेरे आगे सर ना उठा सके दब के रहे मेरी खिदमत करे कौन सी क्लास की है और तेरी क्या क्लास है पहली क्लास
वो बुलाओ, वो क्या नाम है, वो अमचूर की शक्ल वाली का क्या नाम है, सफूरा, हाँ वो तेरे लिए सारी क्लासें लेके आएगी, फिर देख लेना उसमें से कोई। पहली बार तुमने अकल की बात की अम्मा, मैं कल ही उसे बुलाती हूँ। आप दोनों करते रहें बातें, मैं तो जा रही हूँ तैयार होने के लिए। क्या बात है सीमी, कहाँ घूमो, कब से देख रही हूँ मैं कि तुम यहाँ होते हुए भी आ नहीं हो। वो ना मैं उस तेलापी के साथ गई थी यूनिवर्सिटी, बस उसी के बारे में सोच रही थी। हाय क्या ठाट थी आपी की, हर तरफ सादिया अली की पुकार और वो वापसी का हसीन सफर, क्या गाड़ी थी और क्या गाड़ी वाला। हाँ तो नाम पता ले लेना था ना गाड़ी वाले का, आप ही साथ थी ना, वरना मैं तो वो भी कर गुजरती। वैसे पता नहीं हमारे नसीब में ऐसे कोई गाड़ी वाला है भी या नहीं। तुम फिक्र मत करो, जब हम बड़े घरों में ब्याह कर जाएंगे ना तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। और अब बहुत देर हो गई है, सोना नहीं है क्या, और सुबह कॉलेज नहीं जाना या फिर गोल करने का इरादा है? नहीं नहीं भाई, जाना है, क्यों नहीं जाना। चलो तो फिर सो जाओ और ये लाइट ऑफ कर दे। हुमा मुझे ना नींद नहीं आ रही और घुटन भी महसूस हो रही है, मैं थोड़ा सा सहन से होकर आती हूँ, तुम सो जाओ। सीमी जी, आप ही तुम आज कॉलेज गई थी? हाँ गई थी। झूठ मत बोलो, कहाँ गई थी तुम उस लड़के के साथ? लड़का कौन सा लड़का? वही जिसके साथ तुम बाइक पर बैठ कर गई थी। अच्छा वो लड़का, वो तो मेरी दोस्त का भाई है। तो फिर क्या कर रही थी तुम उसके साथ? मैं उसके घर जा रही थी, वो अपनी फ्रेंड के घर, उसके अब्बू की तबीयत खराब थी इसीलिए उसने मुझे बुलवाया था। आप क्या समझी? मगर तुमने इस बात का घर में क्यों नहीं जिक्र किया? आपी मुझे मौका ही नहीं मिला ना। देखो सीमी, इस तरह बताए बगैर गैर आदमी के साथ आना जाना कोई अच्छी बात, समझी? हाय आपी, उसने मुझे सिर्फ लिफ्ट ही तो दी थी, ठीक वैसे जैसे उस दिन उस हैंडसम लड़के ने यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए आपको लिफ्ट दी थी। ये तुम सारा दिन बाहर क्या करती रहती हो? क्या मतलब बाहर क्या करती हो? बात कहां तक पहुंची? क्या कहती है हीरोइन? क्या कहना है बेचारी ने, वो तो तैयार है हीरोइन बनने के लिए। एक बार उनको हाँ तो करने दें, फिर तो हर बात हमारी ही मानी जाएगी। क्यों, मतलब कह रहा हूँ मैं, आप करें ना मामू से बात। पता नहीं अब्बा क्यों बात बात पे नाराज हो जाते हैं। खूब जानता हूँ मैं तुम्हारी पढ़ाई को, कहता हूँ सुधर जाओ वरना बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। यहाँ रहने के साथ साथ अगर यहाँ के असूल, रख रखाव और तहजीब को अपना लिया जाए तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? ऐसा ही है हसन, मैंने तो सब अपना लिया है, बस वो अम्मा जान है ना। सिद्रा और राशिद की रगों में मेरे खानदान का लहू है। हुमा तुम क्या, हुमा तुम, जितना हक तुम्हारा अब्बू के पैसों पर है उतना ही हम सबका भी है।
और वैसे भी मेरे कॉलेज में फैंसी ड्रेस शो है और मुझे सूट सिलवाने हैं। 5,000 रुपए चाहिए मुझे। अम्मी को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं उनके लिए इतनी हसीन बहू का इंतखाब कर चुका हूँ। अख्तर अब चले, देर हो रही है। सिमी, ये कम वक्त की मुलाकात तो कसम से प्यास बढ़ाने के बराबर होती है।